Hello, hello, hello. I'm Brijesh Parikh, father of two children and husband to a lovely woman. I am an entrepreneur now turned into a wealth coach, and I'm on a mission to help 1 lakh family to live a financially very free life and achieve financial freedom in their life. ये छोटा सा वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको आज आप उस बंदे से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि जिस बंदे की वजह से आप वेल्थ नहीं बना पा रहे. सो मिलना चाहोगे जिस बंदे की वजह से आप वेल्थ नहीं क्रिएट करना पा रहे हो? जी आप खुद ही हो. सरप्राइज्ड आप खुद ही इसलिए हो कि नॉर्मली मेरी जो इन्वेस्टर की ट्रेनिंग होती है, मेरी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम होती है, और मेरा जब मेरे अपने क्लाइंट के साथ वन टू वन मीटिंग होता है, तो सबसे पहले जो उसमें खुद का जो एनिमी नजर आता है वेल्थ क्रिएशन में, वो खुद ही होता है. कैसे होता है? सो नॉर्मली जब मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ, उसके बाद जब एक्शन लेने की टाइम आती है ना, तो नॉर्मली मुझे इस तरीके के एक्सक्यूजेस मिलते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी इन अ जॉब, अभी मेरा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, अगले वीक एंड पे मैं आ जाऊंगा, या नेक्स्ट हॉलीडे पे मैं इसको इनिशिएट कर लूंगा, या ये बहुत ही बिजी मंथ है, नेक्स्ट मंथ आई विल बी फ्री, सो आई विल बी स्टार्टिंग डूइंग द थिंग्स. सो दीज आर दी नॉर्मल एक्सक्यूजेस जो आप लेते हो, जिसको हम प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं, या हिंदी में जिसको बहानाबाजी बनाया जाता है. सो ये नॉर्मली सही नहीं है. दीज आर दी एक्सक्यूजेस जो आप काम को टालने के लिए कर रहे हो. आपके पास टाइम नहीं होता, ऐसी बात कब होती? जब किसी आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया और के डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि भाई आप अगले 7 दिन ही हो, और उसके बाद आपकी कुछ हेल्थ ऐसी है जिससे आप 7 दिन के बाद जीवित नहीं रहने वाले. अगर ये सिचुएशन है तो आपके पास टाइम नहीं है. बट आई एम श्योर ये सिचुएशन तो है नहीं. तो आपके पास टाइम है, बट ओनली इश्यू इज आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो. तो प्रायोरिटाइज क्यों नहीं रहे हो? तो क्या आपकी एक हैबिट है कि काम को टालने की. तो आपको इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कि आपको सबसे पहले जो अपने पर्सनल फाइनेंस में जो इन्वेस्ट करना है, पर्सनल फाइनेंस में वन ऑफ द कंपोनेंट इन इन्वेस्टमेंट, राइट? सो सबसे पहले आपको जो इन्वेस्ट करना है ना, वो आपकी खुद की टाइम है. सो पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए टाइम इन्वेस्ट करना सीखे, उसको प्रायोरिटाइज करना सीखिए, और फिर आगे जाके आप उसको वेल्थ क्रिएट करने में वो आपको हेल्प कर पाएगी. सो आप अपनी ही जो मेंटल ब्लॉकेड है इस तरीके की सोच की, उससे बाहर आइए और अपनी पर्सनल फाइनेंस को इंप्रूव कीजिए, अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू करें. मैं आपको मेरी सारे जो इन्वेस्टर है उसकी स्टोरी बताता हूँ. हर किसी के दिमाग में यही होता है इनिशियली कि भाई नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, मैं अगले महीने शुरू करूंगा. बट वेन दे स्टार्ट, अपनी इस अर्ज को, जो टालने की जो अर्ज होती है उसको जीत लेते हैं और वो शुरू कर देते एक बार, वेन दे स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, फिर उनको आगे जाके उसको कोई दिक्कत नहीं होती, और फिर वो वेल्थ क्रिएट करने में यही एक्शन टेकिंग जो अप्रोच वो कल्टिवेट करते हैं, वो उसको आगे जाके वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं. सो आप अपने प्रोकास्टिनेशन से बाहर आइए और अपने खुद की वेल्थ क्रिएशन के एनिमी बनने से बचिए, और अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू करें. अगर आपको लग रहा है कि वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हमारी ये इस तरह की छोटी छोटी जो नॉलेज की वीडियो बुलेटिन है या हमारी जो पोस्ट है वो आपको हेल्प करे, तो हमारी इस ग्रुप में मेंबर बनिए, हमें रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा. और मैं आपको इस तरीके की जो भी नॉलेज मैं ऑनलाइन शेयर करता हूँ, वो नॉलेज आपको लर्निंग में, आपकी एक्शन टेकिंग में, और आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हेल्प कर पाएगी. सो हैप्पी फाइनेंशियल वेलबींग, हैप्पी फाइनेंशियल फ्रीडम, गॉड ब्लेस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस स्मॉल वीडियो विच आई एम श्योर विल हेल्प यू टू इनिशिएट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी. थैंक यू.